अलग मेथड से करते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक ट्रिक से आपको बताते हैं कैसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले तो हम बाय ग्रुपिंग मेथड एक ग्रुपिंग मेथड से भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। वो हम आपको एग्जांपल देते हैं, एक आपको ग्रुपिंग मेथड का एक एग्जांपल देते हैं। इसमें एक जो क्वेश्चन है आपका, ये देख लें आप ग्रुपिंग मेथड का, एक्स पी पावर क्यूब माइनस 3x² - 36 + 108। ये एक फैक्टराइज जो है, ये आपको फैक्टराइज करना, फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको ग्रुपिंग मेथड से। ग्रुपिंग मतलब दो को दो, दो के साथ कॉमन ले लें, यहाँ पे कितना कॉमन होगा बताइए, दोनों फर्स्ट के दो टर्म में एक्स स्क्वायर, और ये क्या बचेगा x माइनस 3, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 36, यहाँ पे क्या होगा x माइनस 3, पूरे में कॉमन क्या है x माइनस 3, तो यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन ले लें, और ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब इसको भी तोड़ सकते हैं आप, तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 3, और ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दें आप, तो यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह करके आप फैक्टराइज करेंगे बाय ग्रुपिंग मेथड से। नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी हम थोड़ा ग्रुपिंग मेथड से बता दें। क्वेश्चन आपको एक बताते हैं, x³ - 3x² - 81x + 243, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको आप फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट के दो टर्म में कॉमन ले लें, क्या कॉमन होगा एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 3, यहाँ पे कितना कॉमन होगा 81, तो यहाँ पे होगा x माइनस 3, पूरे में कॉमन क्या हो जाएगा देखें, पूरे में ये कॉमन है आपका, ये x माइनस 3 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 81 हो जाएगा। इसको तोड़ लें आप, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3, और ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ दें, ये होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ग्रुपिंग मेथड का, एक और क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करते हैं ग्रुपिंग मेथड का, x³ - 10x² - 49x + 490। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे होगा x माइनस 10, और ये माइनस 49 होगा, x माइनस क्या होगा 10, और ये क्या होगा आपका पूरे में कॉमन क्या है आपका x माइनस 10, तो x माइनस 10 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस 49। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ दें, तो ये क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये होगा x माइनस 10, और ये क्या होगा आपका x प्लस 7 इंटू x माइनस 7। तो इस तरह करके ग्रुपिंग मैथड का क्वेश्चन आप जरूर बनाएंगे। ये हम कुछ क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे डाल देते हैं ग्रुपिंग मैथड का, ताकि आप ग्रुपिंग मैथड का क्वेश्चन आप बना लें, ठीक है। उसके बाद जो है ये ग्रुपिंग मेथड का कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, ये है आपका y³ - 7y² - 5y + 35। नंबर 5th, ये है आपका x³ + 9x² + 3x + 27। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x³ + x² - 3x - 1। नेक्स्ट है 4x³ - 7x² - 4x - 7। ये आप बना लेंगे, अगर से सॉल्व करते हैं हीट एंड ट्रायल। ये देखें कैसे बनाएंगे इस हीट एंड ट्रायल मेथड से, फैक्टराइज उसको भी समझ लें। आपको यहाँ पे याद रखें, जैसे आप इसको बनाते थे याद करें, एक मिडिल टर्म स्प्लिट अगर नहीं ऐसा होता था, जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, ये इसमें क्या करते थे आप, ऐड करने पर क्या अंत आना चाहिए, ऐड करने पर क्या आना चाहिए, जो कॉपिशियंट होगा कॉपिशियंट ऑफ एक्स पी पावर एन माइनस 1, ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए कॉन्स्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए कॉन्स्टेंट टर्म, तब आप इस तरह करके आप सॉल्व करते थे इसको, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको हम सॉल्व डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन समझ लें आप, जैसे है देखिए अब ये सॉल्व करना है हमको, ऐड कर तीन नंबर को सिलेक्ट करना है, तीन नंबर को हम लोग को सिलेक्ट करेंगे, जिसको ऐड करने पर कितना आना चाहिए
सिक्स, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, वी सिक्स। बताइए कौन सा ऐसा नंबर होगा, तीन नंबर जिसको ऐड करने पर चाहिए सिक्स और मल्टीप्लाई करने पर भी सिक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिक्स है और ये भी सिक्स है, तो इसको लिख सकते हैं प्लस वन प्लस टू और क्या प्लस थ्री। तो सबके आगे हम एक्स लिख दें तो क्या होगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, ये एक्स प्लस थ्री, ये इसका फैक्टराइज होगा। तो इस तरह करके हम लोग डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे, सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में है आपका, जैसे x पी पावर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस टू। यहाँ पर भी वही है, आपको ऐड करने पर कितना चाहिए प्लस टू और मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए माइनस टू। कौन सा ऐसा नंबर, तीन नंबर ढूंढना है जिसको ऐड करने पर कितना चाहिए प्लस टू और मल्टीप्लाई करने पर माइनस टू। तो कौन सा ऐसा नंबर हम लोग लेंगे यहाँ पे कि ऐसा आ सकता है। तो ऐसा हम लोग ले सकते हैं, क्या लेंगे यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस टू वन वन और कितना लेते हैं हम लोग वन वन अगर लेंगे तो प्लस वन कितना होगा, ये हाँ आ गया, ये प्लस वन माइनस वन और ये क्या आ जाएगा माइनस टू। देखिए आप सारे को मल्टीप्लाई करें, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस प्लस टू और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस कर देते हैं और यहाँ पे यस प्लस का अब आ जाएगा, ठीक है। आप सारे को देख लें, सारा सारा वही आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस वन, फिर एक्स माइनस वन और ये क्या होगा एक्स प्लस टू। तो इस तरह करके आप सेट करेंगे नंबर को और ये आपको बना लेंगे। अगर आपको पावर चार वाला है, देखिए आप एक हम पावर चार वाला भी बता देते हैं आपको, जैसे एक्स पे पावर फोर माइनस सेवन एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस टेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐड करने पर चाहिए, ऐड करने पर कितना चाहिए, ऐड करने पर कितना चाहिए आपको माइनस सेवन और मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए माइनस टेन। तो बोलिए बोलिए कौन सा ऐसा चार नंबर, क्योंकि पावर चार है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए माइनस टेन। कौन सा ऐसा चार नंबर लेंगे जिसको ऐड करने पर माइनस सेवन होगा और मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा माइनस टेन, सोचना है इसको, उसके बाद आप ये बनाएंगे तभी ये पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए माइनस टेन, तो यहाँ पे देख ले टेन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, टेन को वन टेन टू फाइव और फाइव टू, यही ऑप्शन है मेरे पास। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, आप देखें यहाँ पे टू फाइव टू, यस अगर हम लोग ऐसा लिख दें टेन चाहिए तो यहाँ पे प्लस वन माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू सॉरी माइनस टू और माइनस फाइव, देख लीजिए सारे को कैलकुलेशन कीजिए पहले, ये दोनों कैंसिल, ये ऐड करने पर आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए इसको माइनस टेन आ गया। तो यहाँ पे आ गया, सबके आगे मैक्स लिख दीजिए, तो ये इसका फैक्टराइज हो गया।